तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स टियाननान बैटलफील्ड में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, जहां पर वह सभी एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके अपनी पावर को बढ़ा सके। दूसरी ओर मेडिसन गार्डन के लोग भी टियाननान बैटलफील्ड में जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी कुछ लोग उनके पास आते हैं और अब उस ग्रुप की मास्टर मेडिसन गार्डन के मास्टर चू को ग्रीट करती है। तभी मेडिसन गार्डन का मास्टर बोलता है, हमें मिले यहाँ पर काफी दिन बीत गए हैं और यहाँ पर तुम्हारा नांगोंग सेक्ट काफी पावरफुल हो चुका है। तभी नांगोंग सेक्ट की मास्टर बोलती है, तो क्या अभी तक यहाँ पर हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट के लोग नहीं आए हैं? मास्टर चू बोलते हैं, वह लोग यहाँ पर जल्द ही आते होंगे, पर यहाँ पर तुम्हें हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों की चिंता कब से होने लगी? तभी नांगोंग सेक्ट की मास्टर बोलती है, मुझे पता चला है कि हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट में एक काफी पावरफुल जीनियस है और उसने ब्लैक ड्रैगन वैली में अपनी जान पर खेलकर ब्लैक ड्रैगन को हराया है, तो क्या यह बात सच है? मास्टर चू बोलते हैं, यह बात बिल्कुल सच है। यह सुनते ही नांगोंग सेक्ट की लीडर बोलती है, पिछले कई सालों से हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट इस कंपटीशन में एक भी बार नहीं जीता है, पर उस पर्सन के यहाँ पर पार्टिसिपेट करने से शायद से इस बार हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट के जीतने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। तभी मास्टर चू बोलते हैं, सेवन सेक्ट कंपटीशन हम सभी सातों सेक्ट की दोस्ती को दर्शाता है और इस कंपटीशन के अंदर हमारे सभी सेक्ट के डिसाइपल आपस में ट्रेनिंग करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाते हैं, जिससे वह रियल लाइफ चैलेंजेस का सामना कर सके। नॉन्ग सेक्ट की मास्टर बोलती है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर मैंने यहाँ पर यह भी सुना है कि हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट का वह नया डिसाइपल पिंग टियान स्वॉर्ड किंग लिन साओ टियान का बेटा है। तभी वहां पर मास्टर टियान हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स के साथ आते हुए बोलते हैं, तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही सुना है। अब मास्टर बाईचैन को देखकर सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। तभी नॉन्ग सेक्ट की मास्टर मास्टर बाईचैन से बोलती है, आखिर यह ओल्ड मैन कौन है? तभी मास्टर बाईचैन आगे आते हुए बोलते हैं, यह हमारे सेक्ट के एंसेस्टर मास्टर चूटियान गांग है। अब चूटियान गांग का नाम सुनते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज से 300 साल पहले हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर मास्टर चूटियान गांग काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, पर अचानक वह एक दिन गायब हो गए, जिससे सभी लोगों को लगा कि वह मर गए। और अब वहां पर मास्टर चूटियान गांग को देखते ही सभी लोग बो डाउन करते हुए उन्हें ग्रीट करते हैं। अब वहां पर खड़े सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, आखिर हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट के एक एंसेस्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यह तो बस सेवन सेक्ट के डिसाइपल्स की ट्रेनिंग है। अब गान सेक्ट की मास्टर मास्टर चूटियान से इस बारे में पूछते हुए बोलती है, मास्टर क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है जो आप अपने डिसाइपल्स के साथ इस जगह पर आए हो? मास्टर चूटियान बोलते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ पर आजकल के नियमों को देखने के लिए आया हूँ और अपने डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यह सुनते ही मेडिसन गार्डन का वह पर्सन आगे आते हुए बोलता है, मास्टर जहां तक मुझे पता है एशियंट टाइम के लोग बहुत ही ज्यादा केयरफ्री हुआ करते थे और वह कीमती से कीमती चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया करते थे, तो आखिर यहां पर ऐसी क्या बात है जो आप अपने डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो? यह सुनते ही मास्टर चूटियान बोलते हैं, तुम सच में एक इंटरेस्टिंग पर्सन हो और मेरे मुंह से सभी बातें निकलवाना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं यहाँ पर लीन फेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। यह सुनते ही नांगोंग सेक्ट की मास्टर हंसते हुए बोलती है, सच में लीन फेंग एक काफी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है, इसने इतनी कम एज में डीमंस का सामना करके उन्हें हराया है। यह सुनते ही वहां आसपास मौजूद आपस में बात करने लगते हैं, हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर खुद यहां पर लीन फेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, इसका मतलब यह है कि वह चाहते हैं कि लीन फेंग ही सेक्ट का अगला मास्टर बने। तभी वहां पर ईस्टर्न क्लाउड हेवेनली पैलेस के भी लोग आ जाते हैं, जिसमें मिस क्विन और चैंग क्विन भी होते हैं। अब चैंग क्विन को देखते ही लीन फेंग सोचने लगता है, यहाँ बस 2 सालों के अंदर ही चैंग क्विन ब्रेक थ्रू करके डिवाइन रैलम के सेकंड लेवल पर पहुंच चुका है, वह काफी जल्दी पावरफुल बनता चला जा रहा है।
वहीं खड़ी मिस क्वीन लीन फेंग को देखती है और अब उसे अपनी पुरानी सभी बातें याद आने लगती है। दूसरी ओर उन लोगों के साथ सूटियान हाओ भी होता है, जो लीन फेंग को देखते ही जेलस फील करने लगता है और अब वह बोलता है कि पिछली बार लीन फेंग मेरे हाथों से बच गया था, पर इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब उसे याद आता है कि सीक्रेट रैलम में जब लीन फेंग मेलिंग का सामना करने लगा था और सभी लोग वहां से भाग गए थे, तब मेलिंग टियान हाओ के पास आते हुए उससे बोलती है, मुझे पता है कि तुम साओ साओ और लीन फेंग को एक साथ देखकर जेलस फील कर रहे हो, पर अब तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो फिर यहाँ पर तुम मेरा साथ दो जिससे तुम्हें हमारी डेमोनिक पावर मिलेगी और हमारी डेमोनिक पावर का यूज करके तुम इस पूरे कॉन्टिनेंट पर राज कर सकते हो। जो सुनकर टियान हाओ उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वह एक डीमन सपोर्टर बन जाता है। तभी प्रेजेंट टाइम में लीन फेंग की नज़र टियान हाओ पर पड़ती है, जिसे देखकर वह सोचने लगता है यहाँ पर टियान हाओ की बॉडी काफी ज्यादा अजीब लग रही है। तभी साउटियान बोलता है, मास्टर टियान हाओ अभी बस डिवाइन रैलम के फोर्थ लेवल पर है, यह अभी भी आपके सामने एक छोटा बच्चा है जिसे आप जब चाहो तब मार सकते हो। लीन फेंग बोलता है, मैं उसके कल्टीवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बॉडी यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब है और उसकी बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल पावर मौजूद है। तभी सियाओ लीन फेंग को आवाज देती है, पर लीन फेंग उसकी आवाज नहीं सुनता है, जो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगता है और वह सोचने लगती है कि आखिर लीन फेंग यहाँ पर किसे देख रहा है, क्या यहाँ पर उससे भी खूबसूरत कोई लड़की मौजूद है। तभी वह पर्सन सियाओ के पास आते हुए बोलता है, यहाँ पर तुमसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है। तभी मास्टर चू आगे आते हुए बोलते हैं, यहाँ पर सेवन सेक्ट के सभी लोग आ चुके हैं, तो अब हमें टियाननान बैटलफील्ड के गेट को खोलना चाहिए। और अब वह अनाउंस करते हुए बोलता है कि यह कॉम्पिटिशन बस एक ट्रेनिंग है, तो यहाँ पर कोई भी डिसाइपल एक दूसरे को बुरी तरीके से जख्मी नहीं करेगा, और यहाँ पर कॉम्पिटिशन यह है कि तुम्हें बैटलफील्ड में उतरकर साउथ स्काई की ओर जाना है, जहां पर तुम्हें एक एशियंट क्लैन दिखाई देगा जिसे हेवेनली फायर सेक्ट के नाम से जाना जाता है। वहां पर तुम सभी लोगों को नाली बर्ड फायर लोटस मिलेगा और जो भी उस लोटस को सबसे पहले यहां पर लेकर आने में कामयाब होगा वह हमारे सेवन सेक्ट का विनर कहलाएगा। अब हेवेनली फायर सेक्ट का नाम सुनकर लीन फेंग काफी हैरान होता है। तभी मिस सुई उसे बताती है कि यह एक एशियंट सेक्ट हुआ करता था और आज के टाइम पर वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में डिवाइन स्टोन मौजूद है। तभी क्विंसु बोलती है, वह जगह कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है, जहां पर कल्टीवेट करके कोई भी पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है, पर वह जगह उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है क्योंकि उस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में डेमोनिक एनर्जी भी है जिसके सामने नॉर्मल इंसान नहीं टिक पाता है। तभी मास्टर बाईचैन लीन फेंग के पास आते हुए बोलते हैं, लीन फेंग तुम्हें टियाननान बैटलफील्ड में सबसे ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है क्योंकि डेमोनिक प्लेस होने की वजह से उस जगह का सबसे कमजोर मॉन्स्टर भी डिवाइन मार्शल रैलम पर है और तुम्हारी सोल अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो वह सभी लोग तुम्ही पर अटैक करेंगे। लीन फेंग बोलता है, मास्टर मैं इसके लिए तैयार हूँ, जिसके बाद सेवन सेक्ट के सभी मास्टर आगे बढ़कर टियाननान बैटलफील्ड के दरवाजे को खोलते हैं और अब सेवन सेक्ट के सभी डिसाइपल उसके अंदर एंटर करते हैं, जिसके बाद वह सभी लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी सियाओ लीन फेंग को देखते हुए उसे आवाज देती है और भागते हुए उसके पास आती है। तभी सियाओ बोलती है, लीन फेंग आखिर थोड़ी देर पहले उसे इग्नोर क्यों कर रहा था। लीन फेंग बोलता है, शायद से मैंने तब तुम्हें नहीं देखा होगा। यह सुनकर सियाओ खुश हो जाती है और बोलने लगती है कि यहाँ पर लीन फेंग को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इस कॉम्पिटिशन में वह लीन फेंग की मदद करेगी। और अब वह लीन फेंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। वहीं यह देखकर क्वेंसू काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।